जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है जहाँ के लतीफे हमारी समझ से ही बाहर है। वेलकम टू कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। आप समझ ही गए होंगे, आज है हमारा पीजे शायरी स्पेशल। आज इस महफिल में दो और हस्तियां हैं जिन्हें मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी। एक जिन्होंने हमें ना जाने कितनी फिल्मों में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस से हंसाया है। प्लीज वेलकम कॉमेडी के किंग जॉनी लीवर। धन्यवाद जॉनी जी, मैं आपका कैसे स्वागत कर सकती हूँ? आप तो यहाँ मुझसे ही पहले थे कॉमेडी सर्कस में, लेकिन वेलकम बैक। और हम आज आपकी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं, भावनाओं को समझो। तो सबसे पहले आप अपनी फिल्म के बारे में हमें बताइए। भावनाओं को समझो, ये फिल्म जनवरी 15 को रिलीज हो रही है। क्या है आज के प्रोग्राम, क्या आप लोगों का क्या थीम है? एक्चुअली आज हमारा थीम है पीजे शायरी राउंड। पीजे शायरी मैं भी सुनाता हूँ, क्या बात है। वाह वाह। सुनाने देना भाई। जिंदगी कश्मकश है, जिंदगी कश्मकश है, इससे बचने के लिए कॉमेडी सर्कस है। एक शेर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। तुम कब्र क्यों खोद रहे हो गालिब? तुम कब्र क्यों खोद रहे हो गालिब? ला फावड़ा मेरे को दे। एक बूढ़ी औरत बेचारी अपने पोते से बोलने लगी, बेटा मारे को मरने से पहले विक्रम बेताल की फिल्म दिखाते। बेटा ये विक्रम बेताल की फिल्म मारे को दिखाते। अरे माँ चुप बैठ, ये विक्रम बेताल ने, वो अभिषेक बच्चन ने, वो अमिताभ बच्चन ने कंधे पे, ये पाए पा। थैंक यू। जैसे हर फिल्म की कहानी में ट्विस्ट होता है, जैसे अंत में ही फिल्म का जिस्ट होता है, वैसे कॉमेडी सर्कस पे भी एंड के पहले एक झटका लगने वाला है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री कार्ड। भड़काने कॉमेडी सर्कस में 3 का तड़का लगाने। अर्चना जी, अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम लोग आपकी मनपसंद कॉमेडी करेंगे, इसलिए आपका मनपसंद चिकना चुपड़ा क्यूट सा हैंडसम सा बंदा लेके आया हूं, विक्रांत। वैसे रोहित जी आप भी मत होइए निराश, मुझे पता है कि आपकी अगली फिल्म की हीरोइन की पूरी हो जाएगी तलाश, क्योंकि मेरे पास एक और है, बम पटाखा फुलझड़ी तपस्या। और हम जैसे नौसिखियों को एक्सपीरियंस के साथ की जरूरत होती है, इसीलिए हम इन्हें साथ लाए हैं। जैसे टीना के साथ जिमी है, मेलिसा के साथ सुदेश जी हैं, वैसे ही हम भी हमारे साथ एक बुजुर्ग को लाए। बुजुर्ग से कितना काम कराओगे यार? तो कुछ काम जवान लोग भी करे है? क्यों जवानी। जोरदार तालियां हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। थैंक यू। बसंती को कैप्चर किया है गब्बर ने,
और ठाकुर को उसे है छुड़ाना। सब कुछ गड़बड़ है सही, क्योंकि गब्बर का अंदाज है शायराना। शमाए महफिल में शिरकत की बारी है भारती, परेश और शरद की। हमें फालतू बोलने की आदत तो है नहीं, फिर भी कहती हूँ बचाओ बचाओ, गब्बर बड़ा है पीछे, अरे कोई तो आओ। रोहित, क्या बार बार हम ही उधर आते रहे, कभी तुम भी आओ। हाय अर्चना, हाय रोहित, हाय रोशनी, क्या हुआ बसंती, तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो? हम क्या मर गए हैं जो रोहित को बुला रही हो? बाय द वे, धन्नो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओके, बात कुछ ऐसी हुई, मुझे देख के गबर सांबा से बोला, वाह क्या माल है। मैं चिल्लाई, भाग धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। धन्नो भाग गई और मेरी इज्जत पे सवाल खड़ा हो गया। घबराओ मत बसंती, तुम्हारी इज्जत अब मेरे हाथ है। है? अर्ज किया है। अच्छा। घबराओ मत बसंती, अब तुम्हारी इज्जत मेरे हाथ है। पछाकू साहब, आपके पास तो सिर्फ लात है। बच के कहाँ जाएगी गब्बर से? चला जा गब्बर, यहाँ ना डॉलर है ना पाउंड है, यहाँ तेरा क्या काम, ये तो शायरी राउंड है। महबूबा महबूबा, ओ ओ ओ, बच के कहाँ जाएगी गब्बर से, तू 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 तू। हे ठाकुर, हमारे बीच मत आना वरना एक चमाट दूंगा, हाथ तो पहले ही काट चुका हूँ, गब्बर जबान भी काट दूंगा। ठाकुर साहब, इस गब्बर से मत डर जाओ, खड़े क्या हो, गोली बॉम्ब चलाओ। बसंती के बारे में मत सोचो ज्यादा, आधा पादा किसने पादा, ठाठू ठुस, ठाकुर हो गया खुश। ये क्या था? अब तो भाई मैं बस ऐसे ही बॉम्ब चला सकता हूँ। ठासे ठाकुर, ठासे ठठेरा। अर्ज किया है बसंती, गौर फरमाना। ठासे ठाकुर, ठासे ठठेरा, चंबल में रात और रामगढ़ में सवेरा। बहुत नाइंसाफी है, बहुत नाइंसाफी है, तेरे लिए तो मेरे हाथ ही काफी हैं। ठाकुर साहब, ये क्या कह रहे हो, भूल गए 30 साल से बिना हाथ के रह रहे हो? अपने हाथ से हाथ धो बैठा फिर भी खुद को समझता कसाई है। सुना है तूने जय और वीरू के साथ हिजड़ों की फौज बनाई है। वीरू बजाता ऑर्गन, जय पीता दारू। वीरू बजाता ऑर्गन, जय पीता दारू। चल हट गब्बर, तेरी जात का पैदा मारू। बात बात पे गब्बर क्यों थूक रहा है तू, बात बात पे गब्बर क्यों थूक रहा है तू, ऐसी हरकत छोड़ दे, हो जाएगा स्वाइन फ्लू। थूकने से टीबी फैलता है, नहीं फैलता स्वाइन फ्लू। रोक सके तो रोक ले, हाक थू हाक थू। ओके, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रामगढ़ में बिजली नहीं फिर भी बिल आते हैं। कोयल सी तेरी बोली। अबे अबे, ये शेर है यार, सुनना। कोयल सी तेरी बोली, कुकुकु कुकुकु, बड़ा गांव में होली, कुकुकु कुकुकु, आग तू। तेरे गांव में ना पुदीना है ना धनिया है, सुना है तू बड़ी कटिली नजनिया है। करने दे मुझे सच का सामना, कुछ भी हो जाए इस कुत्ते के सामने मत नाचना। माना नाचना बसंती का धंधा है, माना नाचना बसंती का धंधा है, लेकिन ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है। कुत्ते मुंह तुम्हारा, बदतमीज कहीं से प्रोजेक्टर के बाहर आ गए हो, ये हाथ क्यों निकाले हैं, शो से निकलवाओगे? करेक्टर छूट जाए पर राम नहीं छूटनी चाहिए, अच्छे जज के सामने इज्जत नहीं लुटनी चाहिए, इज्जत नहीं लुटनी चाहिए, इज्जत नहीं लुटनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। हाकू हाकू हाकू। ओके, चलिए अर्चना आपके पास आ रहे हैं हम।
बहुत ही भलता और भलती शायरी से भरा हुआ आइटम, लेकिन इतनी शिद्दत से, इतनी सिंसेरिटी से, इतनी एनर्जी के साथ आपने, इतने कन्विक्शन से किया है कि इट्स माइंड ब्लोइंग, वेरी नाइस। पॉइंट टू पॉइंट राइम चल रहा था और जिस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तीनों आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ठाकुर लंबा हो गया है, गब्बर छोटा हो गया है, बसंती तो तीन जय वीरू को मिला के एक बसंती बन गई है। बट शरद, स्पेशल मेंशन टू यू, मैं हर बार आप पे पॉइंट करता हूं, एनर्जी एनर्जी, यू वर ब्रिलियंट दिस टाइम। थैंक यू सो मच, ब्रिलियंट एक्ट, वेल रिटन एक्ट, वेल परफॉर्म्ड एक्ट। थैंक यू सर। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है यार, सीरियस फिल्म है और आपने इसमें ह्यूमर डाल के जो ट्यूमर बना दिया है, माइंड ब्लोइंग, कमाल है। नाइन, नाइन पॉइंट रोहित, नाइन पॉइंट फॉर योर परफॉर्मेंस एंड द टेंथ वन फॉर द राइटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पीछे शायरी की महफिल को आगे, वादा कहाँ गया? एक मिनट, आप कौन है? तुम्हारी बेओ भाई में बहुत सारे शेर लगाया हूँ, फेंक रहा हूँ यहाँ पर। इरशाद, तेरे गम में ए बेवफा रात भर पीता रहा, वावा कौन तुम्हारा चाचा बोलेगा। वावा वावा, कि तेरे गम में ए बेवफा रात भर पीता रहा, फेफड़े फट के बाहर आए, दिन भर सीता रहा। वाह 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 वाह, बेवफा तेरे प्यार में इस कगार पे आ गया, जिस कंपनी का ऑनर था उसी में पगार पे आ गया। मुझे ये बताइए कि आपने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? किया क्या है? हाँ, कमबख्त मैंने तुझे खरीद के दिया 2 BHK, उसे भी खा गई कम्बक तू बेच के। वाह 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 वाह, चलिए आप जाइए, हम आपका यही इंतजार करते हैं, बाय बाय। यहाँ मौजूद सभी कदरदानों से अर्ज किया है, होठों पे हाँ है दिल में ना है, होठों पे हाँ है दिल में ना है, शशि कपूर कहते हैं मेरे पास माँ है। सोनिया राहुल को राजनीति सिखा रहे हैं, मनमोहन सोनिया को हिंदी सिखा रहे हैं, और राहुल है जो मनमोहन जी को इनसिक्योरिटी दे रहा है। दिलो जान से इस्तकबाल कीजिए जिमी, टीना और सूरज का। राहुल, मुझे क्यों हुल दे रहे हो? ये है राहुल, तुमसे कितनी बार कहा कि गांव गांव जाओ और मंत्री मंत्री खेलो। ओके मम्मा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। जय हिंद। आप कहाँ जा रहे हो? 10 PM हो गया, मैं भी PM खेलने जा रहा हूँ। आप क्या चाहते हो यहाँ इस एक्ट के लिए? मैं अकेले नोट मांगूं? मैडम जी, नोट नहीं, वोट कहिए, वोट। आप मेरी कमजोर हिंदी पे मत जाइए, ये बताइए आप इतने कमजोर क्यों लग रहे हो? अर्ज किया है। प्लीज डोंट चेंज द टॉपिक। टॉपिक चेंज नहीं कर रहा हूँ, अर्ज है ना, लिसन लिसन। ओके ओके। ये महान कंट्री है, पैदल चल रहा मंत्री है, ये महान कंट्री है, पैदल चल रहा मंत्री है। आप हर बात को दोबारा रिपीट क्यों करते हो? मैडम जी, शेर व शायरी में हर लाइन को दोबारा रिपीट किया जाता है बेवजह। चूड़ी नहीं है मेरा दिल। आप तो नाराज हो गई। नहीं नहीं, मैं भी कर्ज कर रही हूँ। मैडम जी, देश पे ऑलरेडी बहुत कर्ज है, आप अर्ज कीजिए, काफी है। वही तो कर रही हूँ, चूड़ी नहीं है मेरा दिल, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। वाह 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 वाह, इसी बात पे लीजिए बिल। बिल? लेकिन बिल तो हम संसद में देखते हैं, पास करते हैं। मैडम जी, ये मेरे ट्रैवलिंग बिल्स हैं। ट्रैवलिंग बिल्स? अर्ज किया है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही ऑटो कर लेता हूँ। बस करो मनमोहन जी। बस नहीं मिलती इसलिए ऑटो कर लेता हूँ, कुल मिला के 30 रुपए खर्च कर लेता हूँ, कंप्लीट कैटल क्लास में सफर कर लेता हूँ। वाह, ये चिंदीगिरी किस लिए? चिंदीगिरी? मैडम जी,
ये चिंदीगिरी नहीं गांधीगिरी है। राहुल शछाप, तुमसे कितनी बार कहा है कि टांग के वक्त काम नहीं अड़ाते। मैडम जी, टांग के वक्त काम नहीं, काम के वक्त टांग नहीं अड़ाते। जब पता है तो फिर क्यों अड़ा रहे हो? Very nice. Very nice. राहुल जाओ बाहर जाकर मंत्री मंत्री खेलो। मुझे अब मंत्री मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री का खेल खेलना है। माय बाप, एक अर्जेंट अर्ज किया है। अर्जेंट अर्ज किया? कहने के पहले कुछ सोचा तो होता, कम से कम 10 दिन का नोटिस तो दिया होता। मनमोहन जी, आप भी कहाँ बच्चों की बातों में आ गई। पता नहीं कब उतर जाएगी पीएम की वर्दी। मनमोहन जी, ये आपका क्या मजाक है? ये मेरा नहीं है, जो भी आपका मजाक है। आपको पता नहीं है क्या क्या बोलता है, बात बात में हमारी पोल खोलता है। मनमोहन जी, अभी ये अदनान है। अदनान नहीं मैडम, नादान नादान। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ। आठ लग गई। याद नहीं उस रात कैसे अंधेरी में हेलीकॉप्टर उतारा? वो अंधेरी नहीं, अंधेरा है। और क्या है, मैं तो सीतापुर जा रहा था, सीता फल खा रहा था, पायलट हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था, मुझको अर्जेंट लगी तो मैं क्या करूँ? क्या लैंड किया राहुल बाबा? राहुल, लगता है एक दिन तुम मेरा नाक भी तुड़वा के रहोगे। मैं जा रही हूँ। मम्मा, तुम कहाँ जा रही हो? क्राइसिस है, मैं आंध्रा जा रही हूँ। मैडम जी, आप आंध्रा जा ही रही हैं, मुझे बांद्रा तक ड्रॉप कीजिए। ओके, चलिए। मैं भी आऊंगा। दिल्ली से निकली गाड़ी आंध्रा चले हल्ले हल्ले। ओ सुरेंद्र चले। मैडम जी, हो गया। तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ है उनके हाथ में है। रोहित, आपसे शुरुआत करेंगे, कैसी लगी आपको इनकी परफॉर्मेंस? मैंने बहुत दिनों बाद कॉमेडी में ऐसी राइटिंग देखी। इट वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट राइटिंग, वेरी वेल रिटन एक्ट, वेरी वेल परफॉर्म्ड एक्ट। बीच बीच में जो नेसेसिटी थी, जो पंचेस की, मतलब आप लोग घुमा के आ रहे थे, इंटेलिजेंस भी दिखा रहे थे, साथ में वो बेवकूफ़ी भी ला रहे थे, यू नो, जो एक मिक्सचर था, दैट वॉज सुपर्ब। आई रियली 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 लाइक्ड इट। इट इज़ अ वंडरफुल एक्ट। लेकिन आपका मनमोहन बहुत बढ़िया। वो जो मनमोहन जी में, रियल मनमोहन जी में जो एक ठहराव है, जिस तरह से बोलते हैं, और एक यू नो बड़प्पन आपने कॉमेडी में भी, वो बड़प्पन आप लाइव, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट द केक एंड द आइसिंग इज सूरज यू। Too good. Wow. Fabulous. Thank you. Really good. Johnny ji, आपको कैसा लगा इनका परफॉर्मेंस? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मनमोहन जी, हम हैं आपके बच्चे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। A nine. 9 points. It's a 9 from you. 9 points. तेरी काली घनी जुल्फों ने कर दिया है अंधेरा। तेरी काली घनी जुल्फों ने कर दिया है अंधेरा। हो जा टकली कर दे सवेरा। नवाब साहब अपनी शादी की सुहागरात मना रहे हैं बेगम को शायरियां सुनाकर, और सुहागरात में मिर्ची घोलने आए हैं आशिक भाई साहब। नजरे इनायत कीजिए सुदेश कृष्णा और मिलिसा के लिए। बेगम साहबा। जी नवाब साहब। आज हमारी पहली शादी की चौथी सुहागरात है। जी नहीं, आज तुम्हारी चौथी शादी की पहली सुहागरात है। तो मैं क्या करूं, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। खैर, मुझे रात को रोहित ने बताया था कि सुहागरात में शेरो शेरी में बात करो तो मूड जल्दी बनता है प्यार का, तो हम शायरी में बात करते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी इस उम्र में शायरी के अलावा कुछ कर भी नहीं पाओगे। आज खुशी की रात है और ये बीड़ी कौन पी रहा है दुश्मनों? आज खुशी की रात है और मुझे तो खुशी की रात कम और खांसी की रात ज्यादा लग रही है। नवाब साहब,
अगर आपकी इजाजत हो तो ये शायरी मैं पूरा कर देती हूँ। शेर सुनिए। अपनी आँखों को मेरी आँखों में खोने दो, आज रात तुमसे कुछ नहीं होने वाला, कम से कम मुझे तो सोने दो। गलती से सही शेर निकल गई। दूसरा सुनिए। इरशाद। इरशाद। काश यहाँ इरशाद खान होता। क्या कहा क्या कहा, जरा मैंने सुना नहीं, दोबारा बोलो। या अल्लाह, अब तो इनके कान भी सुन हो गए, पता नहीं धीरे धीरे और क्या क्या बंद होगा। ये क्या बोला, क्या था, इरशाद है कौन, क्या है? वो क्या है ना नवाब साहब, मेरे चाचा है ना। अच्छा, उनका बेटा है? नहीं नहीं, मेरे चाचा के मामा के फूफा के दामाद के उसका बेटा है। हाँ, उसी का बेटा। हाँ। तीसरा शेर सुनिए। सुनाओ। दांत तो दीजिए ना। मैं थप्पड़ मारने, दांत तो दीजिए, चार पांच मेरे दांत बचे वो भी मैं तेरे को दे दूं, कल को मेरा दिल करे ब्रश करने को, मेरा ब्रश तो खराब हो गया ना। मैं उस्ताद की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, इरशाद। और जोर से बोलो। इरशाद। और जोर से। सब सही है, दूध दही हटा, सावन की गड़ा खा, खुजा बत्ती बुझा के सो जा, मंटी पे खड़ी ले आंटी बजारी ले, बार बार घंटे इंटुकले मिंटुकले, फुटले उठले छाना बनले चल, पगार 160 है, घर पे खाने वाले 8 है। यार तेरे को तो सब कुछ बाय हार्ट है। यार रहमान तेरे क्या लगता है, लगेगा ना तो सूझ जाएगा, अपन अभी लगम में आए ले क्या। दादा बोले ना लगा डालूंगा मुझको। अबे चुसेले आम तेरी माँ का साकी नाका। अपने को कौन आवाज दे रहा था, अपुन का नाम इरशाद है। देखो पर्वतों से तुम ऐसे टकरा रहे हो, हमने दी आवाज नहीं, तुम ऐसे अंदर आ रहे हो। तो क्या रे, आवाज तेरा बाप दे रहा था क्या? मैंने तो दी नहीं, इसने दी होगी, पर ये भी नहीं दे सकती, इसने कभी मुझे नहीं दी, तेरे को क्या देगी आवाज। और छोड़ इस पागल को, तू शेर सुना। और सुन, आज मैंने इरशाद इरशाद नहीं करना, मैं थक गया हूँ इरशाद इरशाद कह के। आप सिर्फ इरशाद इरशाद कहते थक गए, और ये इरशाद करते करते भी नहीं थकता है। बजा। क्या? ये गलत कर रहे हो तुम, इतना अच्छा डांस करके मेरा भी डांस निकल गया, तो कौन जिम्मेवार हो? पर यार मुझे ये बता कि ये लड़का है कौन है? जी वो मेरे चाचा के मामा के। बस बस, फिर बोर करेगी। हट, चल तो शेर सुना। अबे ये क्या सुनाएगी, अपुन सुनाता है। सुन, भटियार खाने में बहुत फेमस है राइस प्लेट। भटियार खाने में बहुत फेमस है राइस प्लेट 9820092 8। राम चाचा कुतिया, ओ मैं सब समझता हूँ, तू शेर सुना रहा है कि मेरी बीवी को नंबर दे रहा है। नवाब साहब मुझे मजा आ रहा है। तुम्हें मजा आ रहा है? हाँ। तो ठीक है फिर, पड़ोसी बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी। देखो मुझसे कुछ होना नहीं, इसने ऐसे सोना नहीं, और तेरा कुछ खोना नहीं, तू ही सुना दे शेर। ठीक है, मैं ही सुना देता हूँ। हाँ, सुना देता हूँ नहीं, सुना दे। ओ देखो मैं सब जानता हूँ, जिंदगी में मैंने बस इज्जत कमाई है, और कितने सालों बाद मेरी लुगाई मेरे घर पे आई है। अबे सोन, तू एक्सपायरी डेट हो गया, अब अपू ने चीज की दवाई है। ओए मैं मर्द हूँ मर्द, और कोई भी मर्द अपनी बीवी को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको कोई छेड़े, समझा नहीं? तो क्या करेगा तू? करेगा क्या, मैं चला जाऊंगा। और सुन मेरी बात। हाँ। बाहर लोग क्या सोचेंगे, तू मेरी इज्जत चाहती है ना? हाँ। तो बस एक पपी दे रही है। हाँ? ये? यहाँ पे, यहाँ पे। ये हुई ना बात। अब तुम दोनों की बदनामी कराऊंगा जाके, देखो निशान लगे मेरे पे, अब जो मर्जी करो, मैं अपनी आंखों से बर्दाश्त नहीं कर सकता, बजाओ नाचो जो मर्जी। क्या तू बाहर जाके सो जा रे, सो जा, इधर तो अपन की मौजा ही मौजा, बजा।
टाइम की पीजे शायरी। लहरी यू आर फैंटास्टिक, आप में जो एनर्जी है, लेकिन उस एनर्जी को बाकायदा मतलब दूसरी चोटी पर पहुंचाने वाले हमारे ये कृष्णा साहब हैं। आई थिंक द हाईलाइट ऑफ दिस आइटम वॉज वो जो तुमने हर पार्ट ऑफ द बॉडी को जो अलग एक यूं ये फिर ये और फिर आई थिंक इट वॉज जस्ट ब्यूटिफुल। तो रोहित हमें बताइए कितना गंदा लगा आपको ये एक्ट? ये पहली बार ऐसा होगा कि हमें बोलना पड़ा कितना घटिया लिखा है, वेरी गुड यार कितना घटिया परफॉर्म किया, 10 marks। बट जरूरी नहीं है कि हर एक्ट में आप मतलब हंस हंस के गिर जाए, यू नो एक लेवल पर चल के एक एक्ट खत्म हो सकता है एंड यू कैन एंजॉय। बहुत ही घटिया था, वेरी गुड। चलिए जॉनी भाई आपको कैसे लगा इनका एक्ट? बहुत यार बहुत मजा आ गया, माइंड ब्लोइंग, कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना कितने नंबर देंगी आप इन्हें? इस बहुत ही घटिया एक्ट के लिए बहुत बढ़िया नंबर नहीं, घटिया ही दूंगी, 9 points। तो चलिए पीजे शायरी के महफिल को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारी अगली तिखड़ी को। फिर आ गए आप, तुमने बुलाया हम आ गए। चलिए अर्ज कीजिए। देखो पीजे जो है वो शेर ही नहीं, कुछ सवाल भी हो सकते हैं, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कुछ पीजे, इसका जवाब दीजिए। ओके। जॉन को लड़का पैदा हो जाए तो उसे क्या कहोगे? पता नहीं, आप ही बता दीजिए। जॉनसन। अगर जॉन को जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए तो क्या कहोगी? एक मिनट, जॉनसन एंड जॉनसन, ये तो ऐसा उछल रही जैसे उन दो बच्चों की माँ ये खुद ही है। अगर जॉन को तीसरा बच्चा पैदा हो जाए तो लोग क्या कहेंगे? प्लीज जॉनसन एंड जॉनसन एंड जॉनसन। नो, लोग कहेंगे जॉन अब्राहम। लिसन प्लीज, हम और बकवास नहीं सुन सकते, आप जाइए ना। तुम दोनों लड़कियों ने सेम कपड़े क्यों पहने हैं? दो दो नहीं हो? नहीं मैं तो एक ही हूँ। अरे लगता है दारू उतर रही है। आ रहा हूँ, भावनाओं को समझो, आप जाइए ना जाइए प्लीज। आ रहा हूँ। आइए देखते हैं कौन सबसे घटिया शायर है इनकी महफिल में। जर्रा नवाजी राजीव स्मिता और सलोनी के लिए। कब्र से कम दी है जमीन, जिंदगी तूने कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाओ तो दीवार में सिर लगता है। यारी इतना बड़ा कोटा बनाया तो मिस्त्री लगा के कब्र इज बड़ी कर लेती। अगर हम गलत नहीं है तो आप वही है ना जो यहाँ घटिया शायरी का ऑडिशन देने आई है? खैर हम एक शायरी कहते हैं, आप उसे पूरा करें। शमा रो रो के परवाने से कहती है, अर्चना जी इसे सच में कुछ नहीं आता, जो बच्चा का ना होता है तो ये गंदा करती है और जब गंदा का ना होता है तो ये अच्छा कर रही है। अब मेरे को बोलनी पड़ेगी, शमा रो रो के परवाने से कहती है मुझे रुमाल ला दो मेरी नाक फटती है। तुम क्या सोचते हो तुम अकेले ही पहुंच सकते हो?
एक बार मेरी शादी कराओ, देखता कितना पौंखती हूँ मैं। कभी हैंडसम लड़की नहीं देखी इन्होंने। बदतमीज। अर्चना बहन जी, इंडिया में यही प्रॉब्लम है, पत्थर मिलता तो कुत्ता नहीं मिलता, कुत्ता मिलता तो पत्थर नहीं मिलता, दोनों इकट्ठे मिल जाए तो मेनका गांधी आ जाती है। ये बहन जी मुझे काम दे दो, बहन जी बर्तन मंजवा लो, कपड़े धुलवा लो। माफ कीजिएगा, हमें काम वाली बाई नहीं, शायरी वाली बाई चाहिए। चलिए बाय बाय, पहले हम इनकी तो सुन ले। अर्ज किया है यशोमती मैया से, बोले नंदलाला माँ इसको लगा डाला तो लाइफ जीगा लाला। ऐसी शायरी में आटे में गूंथ के ना शायरी वाले परांठे खिला दूं आपको। आप सच कह रही हैं? तो फिर ठीक है, खिलाइए अपने शायरी वाले परांठे चटनी के साथ। शुरू करते हैं बेइज्जती का पुण्य काम। लेके कॉमेडी सर्कस का नाम और बता तेरे पापी क्लाइंट्स का नाम। जी सबसे पहले जहन में तो हमारे आते हैं कृष्ण और सुदेश। सुदेश यानी कि भोला मुंह बना के गंदी बात करनी है। दूर से देखा तो संतरा था, पास जाके देखा तो संतरा था, दबा के देखा तो संतरा था, खा के देखा तो संतरा था, वाह वाह क्या संतरा था, क्या संतरा था, क्या संतरा था। इसमें गंदा क्या था? लो अब सुदेश कृष्णा है, संतरा है, सही जगह तो फिट नहीं होगा। लेकिन उसकी बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। नहीं नहीं बेइज्जती नहीं करेंगे तो बेचारा इग्नोर फील करेगा। इसका मुंह देखो इतना छोटा है, अर्चना पूरन सिंह का डोला भी उससे बड़ा है। ओए ये बड़ा मशहूर है, इसके पोस्टर लगे बाहर, मर्दाना ताकत हासिल करो। सुरिंदर भाजी आपके बारे में बात नहीं करूंगी तो मजा नहीं आएगा। सुरिंदर तुझसे सुंदर तेरे तबले की थाप है, तुझसे सुंदर तेरे तबले की थाप है। ये प्रीतम को कोई क्यों नहीं समझाता चोरी करना पाप है। चलो पीजे राउंड, पीजे राउंड, पीजे राउंड। चलो अब रोहित जी पे एक शेर अर्ज है। वो मेरी गली में आए, थोड़ा इतरा है, थोड़ा शर्मा है, और फिर जोर से चिल्लाए काली डब्बा बोतल रद्दी ले लो। तो मर्द किया है? मर्द नहीं, अर्ज, अर्ज। कमाल है, अर्चना बहन जी पे मर्दाना शेर सुनाना है तो हम औरतों के बस की बात तो है नहीं। तो मर्द किया है? रोशनी की टांगों को देख के पता चलता था कि मुंबई का मौसम कभी सर्द नहीं होता। मोहतरमा अर्चना जी पे ऐसे शेर नहीं मार सकती। मार सकते हैं क्योंकि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। इसकी बात हो गई, मैं अपने पार्टनर पे गुस्सा निकालती। निकाल। तो अर्ज किया है, जली को आग कहते, बुर्जी को राख कहते, जली को आग कहते, बुर्जी को राख कहते, और मेरे स्मिता में जिस स्किल्स की कमी है, उसे दिमाग कहते। वाह वाह, वाह वाह। अर्चना जी हमारे पास दिमाग है। हाँ हाँ हाँ, तेरे पास दिमाग है, तुम जो कहोगी बस हम वही बात कहेंगे। तुम दिन को कहो रात, हम रात कहेंगे। तुम जनाजे को कहो बारात, हम बारात कहेंगे। क्योंकि पागलों से कोई भैंस नहीं करता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अर्चना जी आपकी हंसी तो रुकते ही नहीं रुकी जा रही थी। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। बीच में मुझे लगा कि ये एक्ट कहीं नहीं जाएगा, लेकिन ये कहाँ गया, आप लोग इसे इतनी ऊंचाई तक ले गए। बहुत बढ़िया किया राजी, बहुत बढ़िया स्मिता, एंड यू तो आर गंगूबाई, व्हाट डू आई से, यू आर माइंड ब्लोइंग। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था आप लोगों का। जब शुरू हुआ जैसे अर्चना जी ने कहा कि मुझे भी लगा कि सो सो एक्ट होने वाला है, बट जिस तरह से आप लोगों ने पिकअप पकड़ा और जो पिकअप पकड़ा है बहुत ही घटिया, जैसे मैंने कहा। तू दिखने में तो छोटी है मगर बहुत बड़ी गोटी है। गॉड ब्लेस यू, यू आर ग्रेट। चलिए तो अर्चना जी इस वाहियात एक्ट के लिए वाहियात मार्क्स दे दीजिए। 9 points and 9. जोरदार तालियां हमारी इस तिकड़ी के लिए, प्लीज गो एंड टेक योर सीट। पिछले हफ्ते
से प्रॉमिस किया था कि इस एपिसोड में हम आपको एक सरप्राइज देंगे और अब वक्त आ गया है उस सरप्राइज का, हमारी वाइल्ड कार्ड एंट्री। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम राजीव, विक्रांत एंड रश्मि। मैं शायर तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरे सीने में दर्द हो रहा है और लोग कहते हैं शायर वही होता है जिसके सीने में दर्द होता है। डरो मत, दर्द उठा है मतलब कोई शेर निकलेगा। मुलायजा फरमाइएगा, मैं हूं एक हवा का झोंका, मैं हूं एक हवा का झोंका, और जब भी मैंने मुंह खोला पीछे से आवाज आई, ये कौन भौंका? अबे कौन बे कमकट मारे, कौन भौंका? अबे ये कौन भौंका? कमकट मारे, तुझे पैदा होने से किसी ने नहीं रोका। तारीफ क्या है तेरी? मैं हर लड़की का अरमान हूँ, ऊपर से आमिर और अंदर से सलमान हूँ। ये क्या हुआ तुकबंदी का मेल? अपनी शायरी सुना रहा थी, मेरी भी छेल। चल इरशाद। इश्क हो गया है अर्चना से। अरे चचा क्यों अपनी वसीयत लिख रहे हो? है कंबकट मारे चमाट मारूंगा, मुंह में बवासीर हो जाएगा तेरे। इश्क हो गया है अर्चना से परमीत को, ओहो, और दिल मेरा बोले दर्दे डिस्को दर्दे डिस्को। चचा मैं यहाँ अपनी शादी की बात पक्की करने आया हूँ, इसीलिए चलो हो जाओ यहाँ से फरार। ठीक हो तो जाओ घंटी बजाओ, लड़की को बुलाओ। मैं शैतान का साया हूँ, कल के बच्चे मैं यहाँ घंटी बजाने थोड़ी आया हूँ। जा बेटा तू बजा ले। ओके। अरे अरे चिचक कहाँ जा रहे हो, जरा ब्रेक तो मारो, उठो उठो। लगता है मुझे देखने कोई जवान और बूढ़ा आया है, 1-2-1 के जमाने में भी साला अपने बाप को उठा लाया है। इस सपोले को जिसने जन्म दिया है ये वो सांप नहीं है, कसम तुम्हारी ये लौंडा मेरा बाप नहीं है। मैं आपसे नहीं उनसे कर रही हूँ बात, मुझे तो लगा था आप ही होंगे उनके बाप। अरे मैं इसका क्या, मैं किसी का बाप नहीं हूँ, लेकिन एक बार तुम हाँ कर दो सालाना बाप बनता रहूंगा। मजा ले एक और चीजों को छोड़ करके मेरी फिटनेस में कोई कमी निकाल दे। ओए एक आ चीजों के साथ क्या उखाड़ लोगे हैं? चिचा तो लगता है अभी उठ के आए हैं चिता से। तुम मेरी फिटनेस का पता कर लो रोशनी टीना और स्मिता से, तीनों है मेरे पीछे। क्या? नहीं नहीं लेकिन मैं तुम्हारे पीछे। ये बताइए कि आप शादी किस लिए करना चाहती हैं? सहारे के लिए। तो मैं हूं ना, तुम तो खुद साला वाइब्रेशन मोड पे हो, किसी और का सहारा क्या खाक दोगे? तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मैं और चार लड़कियां बीच में एक साथ रहते हैं। बेटा इधर आ जा, बस ऐसे ही माहौल तो चाहिए होता है हम बीमारों को। एक बार शादी के लिए हाँ कर दो, गोद ले लूंगा चारों को। मैं भी हूँ बिल्कुल अकल कांदा, चार जने तो चाहिए होंगे बुड्ढे को देने को कंधा। ये हसी और मैं जवान। मैं चुप भी कर, उजड़े मकान। ये उजड़ा मकान बहुत जल्द रीडेवलपमेंट में जाएगा और बदले में वहां पे एक नया टावर खड़ा हो जाएगा। फिर वहां पर अपने को 6-bedroom का फ्लैट मिलेगा, जहां पर हमारे तुम्हारे प्यार का गुल खिलेगा। 6-bedroom का फ्लैट है, पहले क्यों नहीं बताया? ये सुनते मुझे तो पर बड़ा प्यार आया। अब यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाइए जाकर शादी की तैयारियां कीजिए। शादी टूट 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 कर बंद कर, ये बेचारे बुड्ढे की बीन भी कायदे से नहीं बचती। और तुम तुम इस हाईफाई मॉल को छोड़कर शादी कर रही हो उस खंडर से, इधर तुम्हारी डोली सजेगी उधर उस बुड्ढे की आरती निकलेगी उसके घर से। अरे इडियट, मैं हूँ इंटेलिजेंट गर्ल, मैंने दिमाग चलाया है,
शादी का मन तो मैंने तेरे से ही मनाया है। दो चार महीनों में बूढ़े का काम तमाम हो जाएगा और सिक्स बेडरूम का फ्लैट तो हमारे हनीमून के ही काम आएगा ना। अर्चना आपसे शुरुआत करेंगे। मुझे लगा कि आपका आपका एक्ट जो है बहुत अच्छी तरह से ओपन हुआ। इट वॉज वेरी वेरी गुड, वेरी प्रॉमिसिंग ओपनिंग। आई थिंक द एंडिंग वॉज ऑल्सो गुड। प्रॉब्लम थोड़ा यू नो मिडिल में आई मुझे, बट द एनर्जी वॉज वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बाकी लोगों ने जो परफॉर्म किया मुझे उस लेवल पे नहीं लगा, क्योंकि आप लोग कहीं और ही निकल गए थे आफ्टर अ पॉइंट, दैट्स व्हाट आई फेल्ट यू नो। और फिर एक एक लेवल पे वो चले जा रहा था, पंचेस नहीं आ रहे थे। 11th एपिसोड में आप लोग आए हैं तो आपके लिए शायद थोड़ा टफ भी होगा, बिकॉज बाकी जोड़ियों ने अपना समा जमा लिया है यहाँ पर, लेकिन आप पहली बार यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और आई थिंक मुकाबला इज वेरी वेरी टफ राइट नाउ, है ना। दे आर लकी आल्सो बिकॉज़ 10 एपिसोड हो चुके हैं और इनको एंट्री मिली है, बट दिस कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज आल्सो, या ये इनके खिलाफ भी जा सकता है। हां, वेल ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जॉनी जी, आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? भाई कमाल है, आज तो आप लोगों का पहला एपिसोड है और इसमें भी आप लोगों ने बहुत हंसाया है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, मिलना कभी भाई अल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए जानते हैं आपके स्कोर्स क्या है। मीट्स अ 7। 7 पॉइंट्स। रोहित कितने नंबर देंगे आप? फॉर मी आल्सो इट्स अ 7। अब वक्त है एलिमिनेशन का। दो तिकड़ियां हैं जिन्हें मिले हैं सबसे कम नंबर। सबसे लोएस्ट स्कोरिंग तिकड़ी है राजीव, विक्रांत और रश्मि आप, और हमारी दूसरी लोएस्ट स्कोरिंग तिकड़ी हो सकती है सुदेश, कृष्णा, मिलिसा, राजीव, सलोनी, स्मिता, जिमी, टीना, सूरज, आप तीनों में से कोई भी। तो अर्चना, रोहित, वी हैव अ प्रॉब्लम। लेकिन एलिमिनेशन तो दो में ही हो सकता है ना, यहाँ फेस ऑफ तीन जोड़ियाँ एक तरफ, और ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। सो देर इज वी हैव डन एपिसोड जहाँ पर हमने एलिमिनेशन नहीं किया, तो ठीक है इस बार भी वही कर देते हैं, नो एलिमिनेशन। Can be happy, और आप लोग भी ताली बजा सकते हैं हमारे जजेस के बड़े दिल के लिए। जाने से पहले देखिए हमारा कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट। टुपी टुपी टप टप। राहुल शाहछाप, तुमसे कितनी बार कहा है कि टांग के वक्त काम नहीं अड़ाते। मैडम जी, टांग के वक्त काम नहीं, काम के वक्त टांग नहीं अड़ाते। जब पता है तो फिर क्यों अड़ा रहे हो? वेरी नाइस, बात बात पे गब्बर क्यों थूक रहा है तू? बात बात पे गब्बर क्यों थूक रहा है तू? ऐसी हरकत छोड़ दे, हो जाएगा स्वाइन फ्लू। थूकने से टीबी फैलता है, नहीं फैलता स्वाइन फ्लू। रोक सके तो रोक ले। देखना ना भूलिएगा कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.